मैं मौलवी साहब को इनकी जो पूरी टीम है पीसी की टीम को इनको मुबारकबाद देता हूँ कि जहाँ यहाँ 100-150 लोग दिखते हैं यहाँ तो अनगिनत लोग थे अल्हम्दुलिल्लाह। और जो जज्बा था लोगों में कि ये लगता है कि ये मतलब इंतजार कर रहे हैं कब 20 तारीख आए और जाकर ये सवेरे वोट डालने के लिए खड़े हो जाए। सर पटेल लगता है, मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहता हूँ लेकिन मुझे तो लगता है कि यहाँ तो वन साइडेड लग रहा है। सर बार बार उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि तरुण चुग आपसे मिले और प्रताप बुखारी साहब से मिले, क्या आपकी उनसे मुलाकात हुई है? अगर हुई है तो क्या हुई है? मेरी बात सुनो यार, मैं अगर किसी का सोशल विजिट पर जाता हूं, अगर 2 मिनट अचानक मिला कहीं से किसी को देखा, अगर वो गुनाह है तो वो गुनाह मैंने किया है। ये उमर साहब तो हर शादी में होते हैं दिल्ली में, इनकी ये किधर नहीं देखा, किसके ड्राइंग रूम में नहीं देखा है। ये बेशर्मी की एक हद होती है यार, 24 घंटा तो उधर ही घुसे रहते हैं, या इनके फादर घुसे रहते हैं या ये घुसे रहते हैं। अब कोई मैं अंदर घुस रहा हूं कोई मिले, मैं बेसिकली इसमें नहीं, अब आपने बोल दिया, मैं बोलना नहीं चाहता था, आई डोंट वांट टू गो ऑन दिस, बट आपका प्रॉब्लम ये है कि आप वहां से आते हैं एक ही टॉपिक लेकर, उसको पूछ रहा हूं वो कहां कहां जाता है। इट्स अ क्लोज चैप्टर, ठीक है। उसके हवाले से कोई रिप्लाई आया? नहीं 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 नहीं, क्या थे तो इनको बोल रहा है वो। इनमें से काफी लोग हैं जो उमर साहब के टाइम में पीएसए लगे हुए हैं, तो अब उमर साहब उनको जो है सर्टिफिकेट दे देंगे। छोड़ो यार, देखो मेरी बात सुनो, झूठ को 100 बार बोलने से झूठ सच नहीं बनता। सर आपको एक अहम बात, नॉर्थ कश्मीर के बयानपुरा पटेल की अगर बात करें, लोगों का सैलाब था, नौजवान बाइक्स पर आए, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं वोटिंग के दिन भी ऐसे नौजवान निकलेंगे? और आप तक पटेल से लेकर आप सैलाब देखेंगे? ये जो झूठ के ये सारे टाइम ओवर फॉर लाइज, झूठ का अब टाइम खत्म है। सर मैंने आज पहली बार सर तो हैं उसमें तो कोई शक नहीं है, ना कश्मीरी आती है, उनको यहाँ छोड़ा सका जो मर्जी वो कहते हैं।